हाँ तो दोस्तों पेटीएम के Q3 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको पेटीएम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रेवेन्यू का नंबर है वो पिछले साल इसी सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में 89% से बड़ा है और ये नंबर आया है 1456 करोड़ पे। और जो यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर है क्वार्टरली बेसिस यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी 34% की ग्रोथ हमें कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे जो लॉस का नंबर है वो अभी आया है 778 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 473 करोड़ पे था। तो यानी कि 305 करोड़ से हमें जो लॉस का नंबर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो। और ये अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 535 करोड़ का लॉस हुआ था और अभी ये लॉस का नंबर 778 करोड़ पे आया है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि इतना रेवेन्यू ग्रोथ यानी कि 89% यानी कि ऑलमोस्ट रेवेन्यू का नंबर डबल हुआ है, फिर भी ये लॉस का नंबर इतना क्यों बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर जो मेन यानी कि जितना कंपनी का रेवेन्यू है उसमें से अराउंड 50 से लेके 55% की जो कॉस्ट कंपनी की गई है वो एम्प्लॉयज को सैलरी देनी या फिर एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन देने के उसमें ही कंपनी का एक्सपेंस गया, यानी कि 50 से 55% की कॉस्ट तो कंपनी को वहीं पे लगी है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो पूरी आईटी इंडस्ट्री है यहाँ पे जितने भी आईआईटीएंस हैं यहाँ पे जितने भी टेक्निकल्स हैं तो इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है और इनकी जो सैलरी डिमांडिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो पूरी इंडस्ट्री है यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ सबको नज़र आ रही है। तो इसीलिए अगर अच्छे टैलेंट को अगर आपको रखना है, अच्छे टैलेंट को अगर आपको रिक्रूट करना है तो आपको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी दूसरी कंपनीज के कंपेरिजन में, तो वही हमें यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए पेटीएम का स्टॉक ऑलरेडी अपने इश्यू प्राइस से 50% से ज़्यादा नीचे गिर चुका है। तो देखिए ये स्टॉक और गिर सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से ये जो नंबर्स हैं, ये जो कंपनीज हैं, विजय शेखर शर्मा जी के अलावा अगर हम देखेंगे ये जो कंपनी के अंदर जो बिल पेमेंट होते हैं यानी कि आप जो मोबाइल रिचार्ज करवाते हो, उसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आप जो सिलेंडर बुक करवाते हो, आपका जो बिल है MGL वाला या फिर जो गैस के बिल होते हैं जो आप यहाँ पे करते हो, तो वो एक आदत यहाँ पे पेटीएम ने बिल्डअप की है। वो आपने देखा होगा कि कैसे धीरे धीरे स्मार्टली यहाँ पे कैशबैक कम हो गए, लेकिन फिर भी आप यही से करते हो। आप ऐसा नहीं है कि आपके पास में कोई स्टोर है, आप वहाँ जाके उसको डिपॉजिट करवाते हो, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये बात आपको समझनी होगी कि हर रिचार्ज, हर बिल पेमेंट के ऊपर वहाँ पे पेटीएम को प्रॉफिट मिलता है, वहाँ पे कमीशन उन कंपनीज से मिलता है। तो धीरे धीरे ये स्टोरी अलग डेवलप हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से शुरुआत में कैश बन हुआ है कैशबैक देने की वजह से वहाँ पर ये कंपनी लॉस में रही है। और जो टेक्नोलॉजी की भी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पर इन्वेस्ट करना एक पूरा रिस्की कॉल होगा, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते क्योंकि कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट करना है तो उतना ही पैसा डालिए जितना आप डाल के भूल सकते हैं, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से आपने नहीं डालना चाहिए। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि पेटीएम के Q3 के नंबर के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।